हरे कृष्णा। गिरिराज रसोई हेल्थ भी और टेस्ट भी में मैं रेखा मित्तल आप सबका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम लोग बनाएंगे थट्टे इडली। ये जो आप बड़ी बड़ी इडली देख रहे हैं ना, ये बहुत ही टेस्टी होती है और बहुत मज़ेदार बनती है। इसमें घी डाल के और गन पाउडर डाल के, पौड़ी पाउडर डाल के इसे खाते हैं। तो चलिए ये कैसे बनाते हैं बताती हूँ, गिरिराज रसोई में चलते हैं। चलिए थट्टे इडली बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने लिया है ये इडली राइस, जिसे बॉयल राइस भी कहते हैं। ये 3 कप उड़द दाल, मैंने गोटा उड़द लिए कि ज़्यादा अच्छी रहती है, 1 कप। लेकिन आपके पास वो टुकड़ा वाला उड़द दाल हो तो वो भी ले सकते हैं, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। 1/3 कप पोहा, जाड़ा वाला मोटा वाला पोहा, 2 टीस्पून के करीब दाना मेथी और 2 टेबल स्पून के करीब साबुदाना। ये साबुदाना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, लेकिन साबुदाना डालने से अच्छी बाइंडिंग आती है और एकदम वाइट इडली निकल के आती है। तो ये तो इडली का बैटर बनाने के लिए चीज़ें चाहिए। और थट्टे इडली आप सांभर के साथ, चटनी के साथ तो खा ही सकते हैं, लेकिन इसे गन पाउडर के साथ खाते हैं। और गन पाउडर की रेसिपी मैंने दी है, उसका लिंक मैं नीचे दे दूंगी। इसके अलावा थोड़ा घी लगेगा हर एक इडली में डालने के लिए, और इडली के बैटर में डालने के लिए स्वादानुसार नमक डालेंगे हम, ये लगभग 1 टेबल स्पून के करीब है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए, ये चावल को एक बर्तन में डाल के 3-4 पानी से आप धो के इसको अलग ही भिगो रहने दीजिए। भिगोया हुआ लगभग 8 घंटे के करीब हम इसे भिगो के रखेंगे। और एक दूसरे बर्तन पे ये उड़द की दाल, ये पोहा, ये दाना मेथी और ये साबुदाना एक साथ भिगो देंगे और इसको 3-4 पानी में धो के इसे भी 8 घंटे के लिए अलग अलग भिगो देंगे। फिर पहले हम चावल पीस लेंगे या दाल पीसेंगे, या जो ये एक साथ भिगोया है वो पीसेंगे, ये दोनों अलग अलग पीसेंगे, क्योंकि चावल तो हम थोड़ा सा दरदरा रखते हैं या कुछ है, और दाल एकदम फाइन पीसते हैं। तो फिर इसे दोनों को भिगो के आप 8 घंटा रख दीजिए। मैं सुबह भिगो के रख देती हूँ और रात को पीस देती हूँ। फिर इसको पीस के दोनों को बैटर को मिला लेंगे। ये देखिए 9 घंटे हो गए हैं और मैंने अच्छे से पीस लिया है। अब इसमें मैं 1 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट मिला रही हूँ, और नमक डालने के बाद इसे अच्छे से मिला के, और इसको जरा बड़े बर्तन में पीस के रखिएगा, क्योंकि ये फूल के डबल हो जाएगा करके ऊपर तक आ जाएगा। ढक के हम लगभग 10 घंटे रख देंगे। ठंड ज़्यादा है तो 13-14 घंटे रखिए, नहीं तो गर्मी के दिनों में 7-8 घंटे में ही ये फूल जाता है, खमीर हो जाता है। यहाँ बहुत ठंड है अमेरिका में। ये देखिए मैंने लगभग 12-14 घंटा रखा है और मेरा बैटर हो गया है। और इसकी कंसिस्टेंसी भी देख लीजिए इडली की, एकदम गाढ़ा मत रखिएगा और ज़्यादा पतला भी मत रखिएगा, क्योंकि हम बड़ी बड़ी इडलियाँ बनाएंगे ना। मैंने गैस पे एक बर्तन में पानी बॉईल होने रखा है। ये देखिए, ये थट्टे इडली का ही स्टैंड है, इसको हम ग्रीस कर लेंगे। और आपके पास इस तरह का स्टैंड ना हो तो इस तरह की बड़ी चौड़ी कटोरी ले सकते हैं, इसे ग्रीस करके इसमें बैटर डाल के, और आप इस तरह जैसे एक बर्तन में पानी बॉईल किया, पानी बॉईल होने लगे रख के, तो आप ऐसे सेपरेट सेपरेट भी बना सकते हैं। मेरे पास ये थट्टे इडली का स्टैंड है तो मैं इसमें बना रही हूँ। तो देखिए, पहले हम इसको ग्रीस कर लेंगे। प्लेट को मैं घी से ग्रीस कर रही हूँ। अब इसमें मैं बैटर डालूंगी। मैंने आधे से अधिक बैटर फ्रिज में रख दिया है। इसे अगर आपको नहीं बनाना है सारा तो इसे फ्रिज में रख दीजिए, और बनाने से आधा 1 घंटा पहले बाहर निकाल लीजिए। मैं लगा दे रही हूँ स्टैंड में।
अभी गैस पे चलते हैं इसको लेके। ये देखिए पानी बॉईल करने पहले ही रख दिया था और अब ये स्टैंड इसमें रख रही हूँ और लगभग 15 मिनट तक हम इसे तेज आंच पे स्टीम करेंगे। 15 मिनट हो गए हैं, मैं गैस बंद करती हूँ और ये देखिए खोल के देख लेते हैं। मैं एक टूथपिक बीच में डाल के देखती हूँ, एकदम क्लीन निकली है, मतलब हमारा ये इडली बनके तैयार हो गई है। इसे मैंने बाहर निकाल लिया है, अब इसको 2 मिनट थोड़ा ठंडा होने देते हैं फिर डीमोल्ड करेंगे। ये काफ़ी बड़ी इडली बनती है इसलिए इसमें बनने में 20 मिनट भी लग सकते हैं, डिपेंड करता है गैस पे। मेरी गैस बहुत बड़े साइज़ की है तो इसलिए मेरे ये 15 मिनट में बन गई है। ये देखिए अब हम इसको डीमोल्ड करेंगे। ये देखिए ये हमारी इडली बनके तैयार है, ये एकदम सॉफ्ट बनती है। और अब इसे घी पोर करके, इसे आप सांभर चटनी के साथ भी खा सकते हैं, टमाटर चटनी, नारियल की चटनी, लेकिन इसको इस तरीके से खाया जाता है। और गन पाउडर, ये देखिए हमारी ये थट्टे इडली बनके तैयार है। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ। ये देखिए एकदम रेशम सी सॉफ्ट सॉफ्ट इडली हमारी बनके तैयार है। आपको ये थट्टे इडली की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में लिख के बताइए और सबसे शेयर भी कीजिए। और अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसी एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। हरे कृष्णा।